गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात में सियासी हलचल तेज हो गई है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। गुजरात की सियासी हलचल से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल से मिलकर रूपाणी ने इस्तीफा सौंपा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और गुजरात में सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा सौंप दिया गया है राज्यपाल को। रूपाणी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ममता चतुर्वेदी मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। ममता, बहुत बड़ी खबर, गुजरात की सियासत से मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल संतोष, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल अभी कारणों का पता तो नहीं चला है कि आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे क्यों दिया है, लेकिन बड़ी खबर गुजरात से है कि विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, यानी कि उन्होंने पहले से ही मन बना दिया था कि उनको इस्तीफा देना है। फिलहाल कारणों का पता नहीं चला है कि आखिरकार उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। साथ ही पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद भी किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर उनको मौका दिया है, प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया और खुद इस्तीफा दे दिया है। ममता, 2023 में गुजरात में चुनाव होने हैं और उससे पहले इस तरह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना, एकदम गुजरात कहीं बैकफुट पर नहीं चली गई है बीजेपी गुजरात में? जी बिल्कुल, देखिए अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2023 में है, अभी भारतीय जनता पार्टी के पास वक्त है। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार विजय रूपाणी ने किस वजह से इस्तीफा दे दिया। क्या कोई पहले से निर्धारित था कि कुछ समय तक मुख्यमंत्री वो रहेंगे और उसके बाद कोई किसी और को बनाया जाएगा? तमाम चीजें हैं जिसका खुलासा कुछ समय बाद ही पता चलेगा, क्योंकि विजय रूपाणी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है और अब भारतीय जनता पार्टी किसको गुजरात का कमान सौंपती है, क्योंकि देखा जाए तो 2023 में विधानसभा चुनाव है और अगर मुख्यमंत्री बदले भी जाते हैं तो काफी वक्त है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन काफी समय से देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री थे, किसी भी प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई और अचानक इस्तीफे की खबर कहीं ना कहीं चौंकाती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो कहीं ना कहीं कोई बात तो जरूर है जिसका खुलासा होना भी बाकी है। ममता, गुजरात की सियासत की बात की जाए तो बीजेपी के अंदर कोई आंतरिक कलह की खबर भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में हो वहां पर, और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ असामान्य चल रहा हो, ऐसी कोई खबर भी मीडिया में निकल कर नहीं आई। उसके बावजूद अगर इस्तीफा दे देते हैं और अचानक से इस्तीफा दे देना कहीं ना कहीं परेशान तो करता है बीजेपी समर्थकों को। जी बिल्कुल, इस तरीके की खबर तो जरूर है कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी जब नितिन रूपाणी से पूछा गया था कि क्या कोई नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। माफ कीजिए, नितिन पटेल की मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि इस तरीके की कोई घटना नहीं होने वाली है फिलहाल गुजरात में कि वहां पर कोई नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। लेकिन अब ये खबर जो पहले अफवाह थी वो सत्य होते हुए दिखाई दे रही है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस्तीफे की वजह क्या है। आपने नितिन पटेल का जिक्र किया ममता, क्या अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अब नितिन पटेल को देखा जा सकता है? देखिए, इसके लिए तो इंतजार करना होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचा है, और अगर विजय रूपाणी का इस्तीफा हुआ है तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री पद की कमान किसी न किसी को सौंपी जाएगी और उप मुख्यमंत्री के तौर पे नितिन पटेल काम कर रहे थे विजय रूपाणी के साथ और उनसे ही यह सवाल जब कुछ समय पहले पूछा गया था कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा गुजरात में, तो उन्होंने साफ तौर पर इसे सिरे से नकार दिया था और कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, गुजरात में सब कुछ ठीक है, सरकार सही तरीके से चल रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये
ये है कि जब सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी तो अचानक इस्तीफे की वजह क्या है। अब सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या गुजरात की जो बागडोर है वो अब नितिन पटेल के हाथों में जाएगी, किसके हाथ में गुजरात की कमान भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो किसको सौंपता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन चौंकाने वाली खबर जरूर है संतोष, जिस तरीके से विजय रूपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ममता, परिस्थितियां ऐसी भी हैं गुजरात में कि कहा यह जा रहा है कि पाटीदार जो समुदाय है, जो वोटर है, वो बीजेपी से छिटकता जा रहा है, नाराज क्यों चल रही है, और हार्दिक पटेल कहीं ना कहीं इसमें बड़ी भूमिका में भी है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी है वो, और ऐसे में क्या पाटीदारों को साधने के लिए नितिन पटेल का नाम आगे करने के लिए 2023 में पाटीदार उनसे टूटे ना, इसलिए कोई रणनीति बनाई गई हो बीजेपी की तरफ से? देखिए, अगर विधानसभा चुनाव की बात आप कर रहे हैं तो उसमें काफी वक्त था, तो ऐसे में सवाल यही उठता है, आपका सवाल भी जायज है संतोष, कि क्या पाटीदारों को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है। ये सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब कमान पता चल जाएगा साफ तौर पे आखिरकार गुजरात की सत्ता किसके हाथों में भारतीय जनता पार्टी सौंप रही है। क्योंकि इससे पहले भी जहां तक हार्दिक पटेल का सवाल है तो उन्होंने कुछ समय पहले ही ये कहा था कि विजय रूपाणी कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इस सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया था कि ये खबर झूठी और अफवाह। नितिन पटेल लगातार इस तरह की जो खबरें निकल कर आ रही थी उनसे किनारा करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब जो इस्तीफा दिया गया है विजय रूपाणी की तरफ से वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। ममता, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।